कौन प्राची है ये? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग के। अभी हो रहे हैं शाम सुबह के 11 बजे हुए हैं, और जैसे कि आपने कल देखा था उल्लू ने तो परेशान कर दिया था, तो उल्लू निकला सुबह 8 बजे यहाँ से। दीदी ने भगाया था उसको, तो दीदी काम करने आए थे। उसके बाद में मेरे को तब भी यकीन हुआ था वो गया, फिर उसके बाद में जो रात में गाजर का मैंने छोड़ा था, मैं उसको अभी बना रही हूँ और खाने की तैयारी करूँगी उसके साथ साथ ही। तो आप देख रहे हो मेरा गाजर का हलवा कहाँ तक पहुँचा है। हलवा तो ऑलमोस्ट डन हो गया है, यहाँ मैंने दूध चढ़ा रखा है। और सब्जी बनाने से पहले सबका रिव्यू लेते हैं गाजर का हलवा कैसा बना है। तो चलो खुशबू एक बार टेस्ट करना तो। नहीं हाय रब्बा कैसी लड़की है यार, खुशबू टेस्ट करना तो नहीं। करना तो अरे यार अच्छा। पति को टेस्ट करवाते हैं, पति को वैसे मीठा ज्यादा पसंद नहीं है, फिर भी टेस्ट करना बनता है। ठंडा अच्छा लगता है वैसे। शक्कर सही है इसमें? बोन मीठा। मैंने पहले ही बोला था पति को मीठा पसंद नहीं है। तो फिलहाल हलवा तो बन गया, मैं बनाती हूँ सब्जी और रोटी, मतलब खाना बनाती हूँ। तो सेव टमाटर सुनती हूँ, मुझे सेव टमाटर की वीडियो बनानी है, तो पहले मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि मेरा खाना ही बन जाए, वीडियो बन जाए। दोस्तों मैं वीडियो बनाने से पहले तैयारी पहले पूरी कर लेती हूँ। मैं पहले इनको काट लूँगी, और पता नहीं क्यों ये इस कढ़ाई को अचानक क्या हुआ, ये टूट गई। तो पहले इसको जोड़ती हूँ कैसे कैसे करके। तो चलो अब बनाते सब्जी। तो यहाँ पे सब्जी पक रही है, मतलब मसाला पक रहा है, थोड़ी देर में डालूंगी मैं सेव। यहाँ पे चावल गर्म कर रही हूँ, रात में मैंने जो बनाया था ना वो चावल। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अभी ऐसी रेसिपी बना रही हूँ जो कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। ये तो आता ही आता है। तो ये बनती है जिंजर से। बीच में बाहरी इतना बढ़िया गाना गा रहे थे ये लोग कि मेरे को इनको रिकॉर्ड करे बगैर रहा ही नहीं गया, तो मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया। ये देखो दोस्तों नया तरीका केक बनाने का। अरे मैया तू तो देख लियो। काजू चॉकलेट केक बना रहे हो क्या बेटू? मिट्टी केक। हाँ एक चाता पड़ेगा, एक चाता चाता मारू, चाता मारू। यहाँ मैं सोने की कोशिश कर रही थी पर काजू इतना शैतान है कि उसके नए नए तरीके से मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। अभी सोने की कोशिश कर रही थी और मैंने अभी भी देखा कि काजू की हरकत। भाई क्या कर रहे हो बताओ? हाँ शक्ल दिखाओ। तो दोस्तों शाम हो गई है, मैंने जो होममेड च्यवनप्राश बनाया था, मैं तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जिंजर वाला,
इन सबको खिलाते हैं चम्मच ताकि लोग सही रहे। और हम सबको भूख लग रही है तो अभी बनाऊंगी पोहे। अब मैं वैसे तो सिंपल पोहे बना रही थी पर पति ने बोला कि उसमें मटर टमाटर प्याज मतलब जितने वेजीज सब डालो। चलो बनाती हूं थोड़ी देर में। ये होममेड च्यवनप्राश जो पहले मुझे खुद को खाना चाहिए। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। यहाँ मुझे मेरी खुद की हालत देख के हंसी आ रही है। मुझे समझ नहीं आता कि जितनी भी अच्छी चीजें होती है इतनी बेकार क्यों लगती है। बाप रे इतना गंदा टेस्ट था इसका। यहाँ मैंने पति को सिर्फ टेस्ट करने के लिए बोला था। पति इतनी तेज भागी है। सीरियसली सर्दी जुकाम कुछ नहीं होगा। सच में सर्दी जुकाम कुछ नहीं होगा इसमें। कोई बात नहीं खुशबू खिला देते। खुशबू की शक्ल ऑलरेडी खुशबू होममेड च्यवनप्राश भाई इससे ना सर्दी जुकाम नहीं लगेगी। मैंने भी थोड़ा सा क्या होता है एक चम्मच तो खाना ही पड़ेगा ना। खुशबू कहा है इसका। खुशबू खाना चाहिए। अच्छा मैंने भी खाया है। सीरियसली मैंने भी खाया है। बाप रे सच में इसकी च्यवनप्राश जैसी लग रही है। हां च्यवनप्राश ही है ये। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। खुशबू की बोलती बंद हो गई है। तो च्यवनप्राश जैसा ही है। खुशबू च्यवनप्राश भी ऐसा होता है। पहले मेरे को खाया नहीं जाता था च्यवनप्राश बचपन में। दादाजी खाते थे ना। मैं कभी टेस्ट करती थी चखने के चक्कर में। अंगलाने जा रहा क्या? जब मैंने खाया था इसको तो मेरे को भी इसको अंगलाने जा रहा था। तो मेरी हालत खराब हो गई थी। अभी खुशबू की भी ऐसी कैसी हालत है। क्या हुआ थूक के पता चला। खुशबू मैंने बहुत मेहनत से बनाया इसको। चल आंसू आंखों से खुशबू के आंखों से आंसू आने लग गया ना। काजू टेस्ट करो। काजू यम्मी यम्मी। चम्मच हटवा दी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी लिस्ट बना रही हूँ जो जो चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो मैं इंस्टेंट लिख ले जाती हूँ क्या क्या चीज़ें ख़त्म है। तो यहाँ पे मैं वही लिख रही हूँ। और मेरा दूध उबल गया चाय का। पोहा गुड़ ये बिल्कुल सही चीज़ है। मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये हमेशा मेरी यहीं लगी रहती है। तो गाइस नीचे कोई सा पार्सल आया है तो पार्सल लेने चले हैं अभी। देखो दोस्तों मैं तो नीचे से वो पार्सल आया इन दोनों की हरकतें। काजू क्या कह रहा है? गाओ गाओ। तो अब करेंगे अपन इसकी अनबॉक्सिंग। क्या मंगाया काजू पापा ने? हाँ देखो दोस्तों क्या मंगाया। अच्छा ये तो पापा ने मंगाई थर्मस क्योंकि काजू ने थोड़े दिन पहले एक थर्मस तोड़ी है। तो टूटी हुई थर्मस भी दिखाती हूँ मैं आपको जो काजू ने तोड़ी है। ये काजू ने अभी थोड़े दिन पहले एक थर्मस तोड़ा है ये देखो। और मैं बना रही हूँ पोहे पूरे वेजीज के साथ में सारे के सारे क्योंकि पति को पसंद ही वही है। और हाँ जो सुबह सुबह पति को रहता ना गाजर का हलवा मीठा है तो पूरा पूरा गाजर का हलवा चुपचाप आके किचन में पति ने खत्म कर दिया। मतलब तो फिलहाल मैं बनाती हूँ पोहे सारे वेजीज के साथ में। अब ये इसमें मूंगफली के दाने कर लूँगी पहले तो क्योंकि पति हर चीज़ डलवाते हैं पोहे में। मतलब पोहे कम सब्जी लगने लग जाती है। वो सब्जियाँ मैंने काट दी है। ये मैंने तल दिए मूंगफली दाने। अब सब्जियाँ आधी पकने के बाद में मैं ये धोऊंगी क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं ना इसलिए। तो बनाती हूँ पोहे जल्दी से।
डालेंगे फिर पूरी की पूरी वेजी से थोड़े मसाले और इसको पानी में गला देंगे और स्ट्रेन कर देंगे, बस थोड़ी देर में पोहे बन जाएंगे। तो सब्जी तो पक गई है इसके अंदर, ऐसा लग रहा है आलू भुर्जी बनाई है मैंने, मिक्स वेज बनाई है। अब डालेंगे इसमें पोहे जो मैंने ऑलरेडी कर दिए थे ऐसे। तो और देखो दोस्तों पोहे तो तैयार हो गए, इनमें डालेंगे थोड़ा से, मैंने काट लिया, अब डालेंगे धनिया। तो सर्व करते पति को और रिव्यू लेते हैं। नींबू, थोड़े से प्याज और हाँ नमकीन, नमकीन तो मिल रही है। तो एक ये है जादुई मसाला, इसे कहते हैं क्या है, धनिया लगा हुआ है, इसे कहते हैं जीरावन पाउडर। तो पोहे की ये जान बढ़ा देता है, खुल जा, इससे पोहे जो लगते हैं। तो लेते हैं पति से रिव्यू। पति तो बिजी थे ऑफिस के काम में तो उनसे मैं रिव्यू ले नहीं पाई, तो मैं खुद अपने आप को रिव्यू दे देती हूँ कि पोहे कैसे बने। पोहे सच में यूमी बने, इतनी वेजीज यूज की है मैंने इसमें कि ऑटोमेटिक टेस्टी लगने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।